guys, welcome back to my channel Abheeksha. Hope you all are doing well. So, आज मैं basically vlog करने वाली हूँ. आप लोग बहुत ज़्यादा request करते हो कि मैं vlog नहीं करती हूँ. So, आज का जो video होगा ये होगा vlog. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि दिन भर में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं. So, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. एंड आप लोग भी बताइएगा कि इस क्वारंटाइन पीरियड में आप लोग क्या कर रहे हो, घर पर क्या कर रहे हो, लाइक कैसे कर रहे हो, क्या बना रहे हो, कुछ नया बना रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो. सो अभी ये मेरा मॉर्निंग लुक है. मैं बस ऐसे ही नहा के बस रेडी होके आ गई हूँ. सो आई एम वेयरिंग दिस पिंक कलर का सूट एंड सिंपल सा बस. एंड चलिए देखते हैं कि आज दिन में क्या क्या करने वाले हैं. सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लगभग 9:30 बज रहे हैं और हम पोहा बनाने की तैयारी कर रहे हैं. बिकॉज हमने सोचा आज ब्रेकफास्ट में हम पोहा और पोहा खाएंगे. तो हस्बैंड मेरे अभी सो रहे हैं तो अभी हम सिर्फ 4 जना हैं जो उठे हुए हैं, मैं, माँ, पापा, गौरी दीदी. तो ये पोहा हम बना रहे हैं और पोहा बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल सी, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है. सो सिंपली मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज को बारीक काट लिया है और माँ बना रही हैं पोहा, बिकॉज माँ पोहा बहुत अच्छा बनाती हैं. सो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कट करके उनको दे रही हूँ और साथ साथ में हम चाय भी बनाएंगे. एंड ऑलमोस्ट हम मॉर्निंग में ओट्स खाते हैं या फिर पोहा खाते हैं या फिर कभी कभी हम दलिया भी खाते हैं. तो बेसिकली सुबह का जो ब्रेकफास्ट का वो रूटीन होता है वो फिक्स ही होता है कि 2-4 चीज़ें उनमें से ही कुछ बनना चाहिए. बिकॉज सुबह बहुत हैवी भी खाने का मन नहीं करता, सुबह सुबह उठते कुछ ऑयली भी खाने का मन नहीं करता है. तो इसीलिए हमने बहुत सिंपल सा ही रखा है कि हम कुछ लाइट खाएंगे एंड इसके बाद फिर हमारा लंच की प्रिपरेशन करने लगते हैं और लंच भी हम फिर टाइम से कर लेते हैं. सो यहाँ पर मैं टोमेटोज़ भी कट कर रही हूँ एंड माँ ने कढ़ाई में रिफाइंड चढ़ा दिया है तो उसमें वो जीरा, राई, ये सारे तड़के वड़के लगा रही हैं. एंड उसके बाद आप देख सकते हो कढ़ाई में टमाटर, प्याज सब कुछ हो गया है, हल्दी वल्दी डाल दी है माँ ने. और इसके बाद इसमें हम पोहे को ऐड करेंगे. पोहे को हमने 3 मिनट के लिए सोक करके रखा था, उसके बाद उसका पानी निकाल दिया. एंड पोहा डिपेंड करता है आपके पास कौन सा है, पतला वाला है या मोटा वाला है. तो ये नॉर्मल मार्केट का पोहा था तो इसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बट जो गांव का पोहा होता है या फिर जो मोटा वाला होता है उसको आपको बहुत देर तक सोक करना पड़ता है ताकि वो फूल जाए थोड़ा सा. एंड इसके बाद हमने इसमें हरी धनिया डाल दी. हरी धनिया बहुत अच्छी लगती है देखने में. मेरा बस चले और माँ का बस चले तो हम लोग हर चीज़ में हरी धनिया डाल दें. तो कुछ पोहा हमारा ऐसा दिख रहा है. एंड माँ इधर चाय बना रही है इंडक्शन पे. सो चाय ज़्यादातर हम इंडक्शन पे ही बना देते हैं बिकॉज गैस पे हम और भी काम करते रहते हैं तो इंडक्शन खाली रहता है तो चाय इंडक्शन पे बनाना थोड़ा ईजी लगता है. सो यहाँ पर अभी हम सिर्फ 4 लोगों की चाय बन रही है. हस्बैंड मेरे अभी सो रहे हैं तो उनकी चाय अभी नहीं बन रही है. एंड चाय ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है और अब हम प्लेट्स लगाएंगे. क्योंकि हम 4 लोग हैं तो मैं यहाँ पर 4 प्लेटें लगाऊंगी और हम सबका पोहा प्लेट में हम लोग इस तरीके से परोस लेंगे. और सुबह का जो रूटीन होता है वो बहुत सिंपल सा होता है. ऐसा नहीं है कि आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ. ये सुबह का रूटीन होता ही होता है कि सुबह उठते ही ये सारे काम होते हैं. कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है इसमें, जो भी बस है नॉर्मल है. और हमने बस कैमरे को सेट कर दिया है ताकि आपके लिए ये ब्लॉग शूट हो सके. तो यहाँ पर हमारी 4 कप चाय रेडी हो गई है और हम सब छोटे कप में चाय पीना पसंद करते हैं. बट मेरे जो हस्बैंड हैं वो बड़े कप में चाय पीते हैं. सो यहाँ पर गौरी दीदी की एंट्री हो गई है. सो माँ और गौरी दीदी ने आप लोगों को आज हाय बोला है तो आप लोग उसका रिप्लाई कमेंट डाउन कर दीजिएगा. एंड यहाँ पर हम फिर चाय पीते पीते कुछ भी टीवी में देखते हैं, ज़्यादातर तो अब न्यूज़ ही देखते हैं. बट यू नो थोड़ा देख देख के हम भी थोड़ा सा परेशान हो गए, बार बार वही कोरोना वाली न्यूज़. तो हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट देखते हैं. ये हैं मेरे पापा जो कि नाश्ता कर रहे हैं. एंड पापा ने भी आप लोगों को हाई किया है. मैंने पापा से बोला कि आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो इसलिए उन्होंने आप लोगों को हाई बोला है. और अब हम कर रहे हैं अपने लंच की तैयारी जो कि है छोले. तो हमने पहले छोले को सोक करके रख दिया था कल रात में और अब हम इसको ड्रेन कर रहे हैं, इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इसको हम चढ़ा देंगे कुकर में करीबन 3-4 सीटी के लिए. डिपेंड करता है कि आपने छोला कितनी देर पहले सोक किया है. तो मैं 3-4 सीटियाँ लगाऊंगी और क्योंकि उसके बाद भी सीटी लगेगी जब हम बनाएंगे. तो यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर ले रही हूँ. सबसे पहले हम टोमेटोज़ को कट कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 4 अनियन लिए हैं और 5-6 मिर्च लिए. हाँ डिपेंड करता है आप कितना तीखा खाना पसंद करते हो. हम काफ़ी तीखा खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ी मिर्च ज़्यादा ली है. एंड इनको मैं सबको अलग अलग सेपरेट कर ले रही हूँ. तो टमाटर का जो पेस्ट है वो मैं अलग बनाऊँगी और हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट है वो अलग बनेगा और जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो अलग बनेगा. तो तीनों पेस्ट आपके हमेशा अलग होने चाहिए, इससे उनका जो फ्लेवर होता है वो मिक्स नहीं होता. और प्याज को भी आप ज़्यादा देर तक भून सकते हो और टमाटर की प्यूरी बाद में ऐड कर सकते हो.
सो यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया है क्योंकि हमें इसे मिक्सी में ही चलाना है, बट बहुत बड़े बड़े जो पीसेज होते हैं वो थोड़ा सा यू नो पिसने में टाइम लेते हैं, तो अगर वो छोटी कटी रहेगी तो वो बहुत ईजिली पिस जाएगी। सो ये हैं वो सारे इन्ग्रीडियंट्स जो कि छोले में पड़ने वाले हैं, ये वो सारे मसाले हैं जो कि हम छोले में डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं छोले में डालती हूँ, एंड अगर आप कुछ अलग से जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास खड़े मसाले जिसमें कि लाल मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, काले मिर्च है, जीरा है, देन हमारे पास है यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, ये आपको अगर चाहिए तभी आप ऐड करो, और उसके बाद हमारे पास जीरा, जीरे के साथ हमारे पास है अनियन, और ये है हमारा थोड़ा सा छोले मसाला। तो छोले मसाले को भी हमने इससे पहले कटोरी में निकाल लिया है, इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितना डालना है। देन हमारे पास है टोमेटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, धनिया, नमक, हरी मिर्च, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको एक कुकर में डालने से आपका छोला जो है वो रेडी हो जाएगा। सो मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ रेसिपी बताने में, बट हाँ बना लेती हूँ मैं अच्छा, बस रेसिपी बताना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कुकर में थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, एंड देन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा। जीरा भी मुझे काफ़ी पसंद है, जीरा और धनिया ऐसी चीज़ें जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें सारे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों को हल्का सा आपको बस खाली तेल में डाल के थोड़ा सा चलाना होता है, बहुत ज़्यादा उनको पकाना नहीं होता है। तो मैं इसमें लौंग, इलायची, काले मिर्च जो भी है मैं सब कुछ डाल रही हूँ, एंड इसको मैं अच्छे से चला दूँगी, और आपकी जो गैस की फ्लेम है वो आप मीडियम ही रखो। देन मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालो तो आपकी जो फ्लेम है वो बहुत लो कर दो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और अनियन का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया है, और इसको मैं अब थोड़ी देर तक भूनूंगी। इसको आपको तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा रेड ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, और ये काफ़ी तेल ना छोड़ दे। उसके बाद आप लास्ट में इसमें ऐड करोगे टमाटर की प्यूरी, जो कि आपने चार टमाटर के साथ रेडी की है, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। ये पांच लोगों के लिए मैं बता रही हूँ छोले, पांच लोगों के लिए क्या ये है, तो सात आठ लोगों के लिए, तो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। सो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डाल दी है, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी सारे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ छोले मसाले इसमें, तो छोले मसाले मैंने डाले हैं इसमें 3 चम्मच, आप अपने अनुसार इसके डाल सकते हो, तो हम इतना ही पसंद करते हैं। सो ये 3 चम्मच छोले मसाले हैं। इसके पहले मैंने 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला डाला था, और अब मैं डालूंगी भुजी धनिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद है, इसकी जो महक है वो भी काफ़ी पसंद है। तो मैंने 2 स्पून डाले हैं, और हल्का सा पानी डालूंगी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो इसका जो बैटर है उसको थोड़ा सा गीला करने के लिए मैंने हल्का सा इसमें से वाटर मिक्स किया है, और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। मेक श्योर आपका जो मसाला है वो अच्छे से भुने, अगर आपका मसाला अच्छे से भुनेगा तो छोले की जो महक है, छोले का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। सो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड की है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे ऐड करो, चाहो तो नहीं ऐड करो। इसके बाद मैंने छोले को डाल दिया है कुकर में, और ये इसमें जो पानी है ये मैंने इसे बॉयल करते वक्त जो इसमें यूज़ किया था वही वाला वाटर है, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने इसको इसमें डाल दिया है, बिकॉज हम बहुत ड्राई छोला नहीं खाते हैं। आप लोग बताना कि आप कैसा पसंद करते हो, तो हम थोड़ा सा गीला छोला ही पसंद करते हैं, रस वाला। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, नमक डालना है आपको स्वादानुसार, आप ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, जैसा भी, और इसे मैं अब सीटी लगा दूंगी। तो इसके बाद मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी ताकि जो छोले हैं वो अच्छे से पक जाएं, बहुत हार्ड भी नहीं अच्छे लगते हैं। और अब मैं अपनी दूसरी प्रिपरेशन शुरू करूंगी जो कि है पूरी की। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, और मैं कोई इसमें मोयन वगैरह नहीं कर रही हूँ, कुछ रिफाइंड वगैरह नहीं डाल रही हूँ, ना तो घी डाल रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है तो हम रोज़ कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो बहुत ऑयली हो जाता है, तो इसलिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, कि अगर किसी को रोटी खानी हो तो रोटी भी बन सकती है। सो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, और मैं आटा एक हाथ से ही लगाती हूँ, आप लोग बताना कि आप एक हाथ यूज़ करते हो या 2 हाथ यूज़ करते हो। सो मैं एक हाथ से ही आटा लगाती हूँ, और आटा लगाना बहुत टाइम नहीं लगता, बट हाँ आटे को जितने अच्छे से आप गूंथोगे आपकी जो रोटी है, आपकी जो पूड़ी है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मेक श्योर आपका आटा जो है वो अच्छे से गूंथा हुआ हो। सो यहाँ पर मैंने अपना आटा गूंथ के रेडी कर लिया है, एंड ये पूड़ी का आटा है तो थोड़ा सा टाइट इसको लगाएंगे। वैसे तो मैं बहुत ही गीला आटा गूंथती हूँ, बट ये पूड़ी का है तो मैं इसे थोड़ा सा टाइट गूंथूंगी। तो हमारा आटा रेडी हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी बारी आती है वो है राइस की। अब हम बनाएंगे पुलाव जीरा राइस बनाएंगे। तो इसके लिए आपको कुकर में थोड़ा सा रिफाइंड डालना है, और इसके बाद आपको इसमें डालना है जीरा।
कड़ी पत्ता, सॉरी तेज पत्ता डालना है, और आपको काली मिर्च या फिर आप लौंग डाल सकते हो। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से सॉटे कर लेना है। इसके बाद आप इसमें डालोगे हरी मिर्च को, मैं बीच से काट के थोड़ा पतला पतला हरी मिर्च को भी इसमें ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि वो राइस में थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाता है, प्लेन राइस नहीं लगता वो। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, और अब मैं इसमें राइस डालूंगी जो कि मैंने सोक करके रखे थे, करीबन 10 से 15 मिनट पहले से मैंने सोक किया था। और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि राइस अगर आपका भुना हुआ होता है तो जो पुलाव बन के आते हैं वो काफ़ी खिले खिले होते हैं, जो जीरा राइस होता है। और इसमें मैं लगाऊंगी 2 सीटी जो कि लगातार आएगी, क्योंकि राइस हम बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, तो राइस जब कम होता है तो ज़्यादा सिटी लगानी पड़ती है। और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ, तो आप देख सकते हो मेरी पूरियाँ बन रही हैं। एंड हम इतनी बड़ी ही पूरियाँ बनाते हैं, कई बार छोटी भी बनाते हैं, बट मुझे ये साइज़ की पूरियाँ अच्छी लगती हैं। घर में सबको पसंद है यही साइज़ की पूरियाँ, तो हम इसी साइज़ की पूरी बना रहे हैं। एंड आप लोग प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये रेसिपी वगैरह बताना, बिकॉज़ मैं इस चीज़ में बहुत प्रो नहीं हूँ और मैं वैसे भी कोई बहुत अच्छी शेफ़ नहीं हूँ, बट जो भी था मैंने आपको लाइक शेयर किया है आपके साथ, बिकॉज़ यू गाइज डिमांडिंग कि आप लोग प्लीज़ कि आप प्लीज़ हमारे साथ कुछ व्लॉग शेयर करो, दैट इज़ वाई। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो पूरी हमारी बनकर रेडी हो गई हैं, इसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। सो मैंने यहाँ पर 2 से 4 पूरियाँ बना ली हैं, और पहले हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग इसलिए करेंगे बिकॉज़ मैंने सोचा था कि मैं इंस्टा पर इसकी पिक डालूंगी, सो दैट इज़ वाई मैंने इसकी प्लेटिंग भी ऐसे की है। सो प्लेटिंग तो वैसे भी हम हमेशा करते रहते हैं, मैं और दीदी सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन कुछ अच्छा सा हो, तो दीदी ने ये सारा प्रेजेंटेशन रेडी किया है जिससे कि ये बहुत सुंदर लगे। तो दीदी को भी होता है कि कुछ बनाए तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ताकि आप फ़ोटो डाल सकती हैं भाभी, तो फिर इसलिए हमने अच्छे से इसको डेकोरेट थोड़ा सा किया है। सो ये है हमारा रेडी हो गया छोले पूरी राइस, और इधर हमारा सैलेड है, राइस को हमने कटोरी में पलट लिया है। तो हे गाइस, सो मेरा माइक ख़राब हो चुका है, दैट इज़ वाई मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ा, बिकॉज़ आपको फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। सो जैसे कि आपने अभी देखा कि आज हमने छोले पूड़ी पुलाव ये सब बनाया था। एक्चुअली ये जो पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे ना लगता ही है कि कुछ खाओ, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, फिर लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा खाओ अच्छा खाओ, और बाहर से भी कुछ नहीं ला सकते। एक्चुअली हम डेली बेसिस पे छोले नहीं खाते हैं, लाइक हर दूसरे तीसरे दिन नहीं खाते हैं, हम 10-15 दिन में एक बार छोले खाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नो हेल्दी भी नहीं होता है छोला वोला खाना, क्योंकि मसाले तो पड़ते हैं, आप कुछ भी करो नाना करके भी आपको बहुत मसाले डालने पड़ते हैं। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के छोला बनाने की लाइक रेसिपी क्या है, आप लोग क्या चीज़ चेंज करते हो, या फिर आप सेम वैसे बनाते हो जैसे मैं बनाती हूँ। बहुत सारे लोग चाय की पत्ती का पानी भी डालते हैं, तो वो हम कर सकते थे, बट छोले का कलर ऑलरेडी इतना ज़्यादा काला था, तो उसको और काला करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड अभी मैंने नहीं खाया है, मैं बस जस्ट अभी खाने जा रही हूँ, मैंने सोचा था आप लोगों के साथ बात करते करते मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। एंड ये व्लॉग में बहुत टाइम बात कर रही हूँ, व्लॉगिंग मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो कि दीदी व्लॉग करो व्लॉग करो, तो इसलिए। एंड मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया कैसा बना है, सबने बोला कि अच्छा बना है, लेट्स सी कैसा बना है, अभी तो मुझे पता भी नहीं है। गाइज बहुत अच्छा बना है, आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा, आपकी अगर जो रेसिपी है वो इससे अलग है तो एक बार प्लीज़ आप ये वाला भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बने हैं। सो अभी मैं अपना लंच कर लेती हूँ, इसके बाद फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत आराम करूँगी या फिर कुछ करूँगी, तो उसके बाद मैं आपसे शाम को मिलती हूँ, देखते हैं शाम का क्या प्लान है, अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं है, तो मैं आपको शाम को मिलती हूँ। एंड ये बहुत ही रॉ वीडियो होने वाला है, लाइक ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्लान किया है, नॉर्मली जो सुबह से चल रहा है रूटीन वही चल रहा है, अब देखते हैं शाम को क्या बनता है, तो मैं आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। भाई कहाँ जा रही है, देखो पीछे 7-8 ही निकले।
चैनल पे सुबह से कहाँ थे? पहले आपको आपके जीजू ये बताएंगे कि वो सुबह से कहाँ थे। सो रहे थे। सिर्फ 12 बजे तक सो रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जीजू 12 बजे तक सो रहे थे, तो इसलिए ये सुबह से नहीं आ पाए। तो हमारे जो फैंस है वो कह रहे थे जीजू के साथ कोई चैलेंज लेके आइए, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? कमेंट्स मैंने भी पढ़े थे, कईयों ने कमेंट्स किया है कि थाली चैलेंज करना चाहिए। एक थाली आप पूरी खा पाएंगे? ऐसे यार मान लीजिए आप, ये थाली खाएंगे नहीं, थाली ले आएंगे। हम थाली ले आएंगे, घर लेके आएंगे हम थाली। हाँ ये सही कह रहे हैं, हम लोग करेंगे थाली चैलेंज, हम आपके जीजू और आपकी दीदी गौरी दीदी। आप लोग प्लीज कमेंट डाउन करिए, गौरी दीदी को अपना इंस्टा अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मैं इसे कहती हूँ थोड़ा सोशली कनेक्ट रहिए, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं दीदी के बारे में, तो मैं इनको काफी दिनों से कह रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नींबू पानी पी लो प्लीज। आप लोग कमेंट डाउन करिए कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। कैरम खेल के बैठे जीता मैं, और हम मैं और पापा जीत गए। मैं और पापा जीत गए, मैं और पापा जीत गए, मैं और पापा जीत गए। तो अब सही बात है, मैं और पापा जीत गए। मैं और पापा जीत गए। मैंने सोचा कि ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं थोड़ी सी बातें करके, बिकॉज ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, घर पर रहिए, और जैसे ही एक बार ये खत्म हो जाएगा लॉकडाउन पीरियड, उसके बाद हम बात मानते हैं बीबी के, इसलिए हमने तुरंत सैनिटाइजर उठा ली। हाँ, तो जैसे ही लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा उसके बाद भी आप लोग घर में ही रहिए, तुरंत तुरंत बाहर मत जाइएगा। और जैसे ही थोड़ा बाहर का माहौल अच्छा होता है, हम लोग पक्का से कोई आउटडोर वाला चैलेंज करेंगे। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मैं कहना चाहती हूँ वहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और जिन्होंने भी इनके चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है जिन्होंने भी इनके चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। हल्का सा आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बोल दो, बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बोल दिया, कह रही हाँ करना है। बाय।